क्लास 7 सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, टाइप्स ऑफ टीथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ रूमिनेंट। यानी कि एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, अमीबा या एक प्रोटोजोआ है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, ह्यूमन में ह्यूमन का न्यूट्रिशन कैसा होता है, और हम लोग अतीत है कितने टाइप्स के होते हैं, और न्यूट्रिशन इन एडुमिनेंट यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैसा होता है। लुक एट द एनिमल बिलो एंड राइट द यच फॉर हर्बीवोर्स, सी फॉर कार्निवोर्स एंड ओ फॉर ओमनिवोर्स, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड ईच ऑफ देम। अब इसमें आप लोग इसको फिल करिएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल, फूड इज ब्रोकन डाउन इन एनिमल्स बॉडी इंटू सिंपल सब्सटेंस, दिस फूड कैन देन बी यूज बाई द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। यानी हम लोग जो भोजन लेते हैं वो जो है हम लोग एनिमल्स के बॉडी में ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में, और उसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व 5 स्टेज। जो न्यूट्रिशन हम लोग के बॉडी में होता है, जो एनिमल्स में होता है, वो 5 स्टेज में होता है। जिसमें फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि जब हम भोजन फूड जब लेते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। सेकेंड है डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि फूड का जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना क्या है, डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन, टू द अपटेक ऑफ द सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन बाय द टिश्यू इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि हम जो भोजन लिए उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसमें से जो न्यूट्रिएंट हमको जो नेसेसरी है अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन ही कहते हैं। एसिमिलेशन, द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाई बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन से जो भी सब्सटेंस हमको सिंपल सब्सटेंस मिल रहा है वो किसमें फिर बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में क्या होता है, फार्म होता है। और इसके द्वारा जो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी जो भी सब्सटेंस हमारे जो है बॉडी में बच गए जो अनयूजफुल है वो, और उसको बाहर करना ही इजेशन का होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड। इन सम ऑर्गेनिज्म फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आउट ग्रोथ ऑन देयर बॉडीज, एग्जाम्पल टेंटिकल इन हाइड्रा एंड सीलिया इन पैरामीशियम। यानी ये हाइड्रा जो होता है एक एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके जो है बाहर जो है इसके माउथ के पास एक स्ट्रक्चर जो है निकला होता है जिसके द्वारा ये फूड को कैच करते हैं, उसको टेंटिकल कहा जाता है। और सीलिया पैरामीशियम एक होता है, पैरामीशियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का, तो उसमें भी क्या होता है वो अपने सीलिया के द्वारा, यानी छोटे छोटे जैसे आपके बॉडी पे जो हेयर है जो उसी तरह उनके बॉडी पे भी वो होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसको सीलिया कहा जाता है, उसके द्वारा पैरामीशियम अपना फूड कैप्चर करता है। स्मॉल एनिमल सच एज इंसेक्ट एंड वार्म हैव स्पेशल माउथ पार्ट ऑफ इंजेस्टिंग फूड। द माउथ ऑफ ए बर्ड मॉडिफाइड इन टू बीक विच हेल्प टू कैच द फूड
and tear or crack it. Birds have different kinds of beaks depending on the kind of food they eat. Snakes swallow their food whole. यानी जो भी एनिमल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ अपना स्पेशल जो है बॉडी पार्ट होता है जिसके द्वारा जो है वो अपना भोजन को कैच करते हैं और उसको इंजेस्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन वन सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज अमीबा. अब हम लोग देखेंगे अमीबा अपना जो है कैसे जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है. न्यूट्रिशन इन इन अमीबा. अमीबा इज एन ऑर्गेनिज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. यानी कि अमीबा जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना होता है जिसको हम लोग यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं. इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेज. इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिज वाटर बॉडीज. इट डज नॉट हैव ए वेरी स्ट्रक्चरल बॉडी. व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड सीडोपोडिया. सीडो मतलब होता है फाल्स और पोडिया मतलब होता है फुट. यानी कि फाल्स फुट ठीक है विच कंप्लीटली इनक्लोज द फूड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेस और कैविटी कार्ड फूड वैक्यूल. सम डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड द फूड डाइजेस्टेड देयर. इट इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ थ्रू आउट. देखो ये आपका पहले ये है अमीबा है. इसके पास ये कोई भी फूड पार्टिकल इसके मतलब जो ये जो भी ये लेता है उसके पास आया सेंस किया तो इसके जो है ये देखो सीडोपोडिया जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उसको कैच कर लेता है. वो कैच करेगा तो वो एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में वो अंदर चला जाएगा और वहाँ पे जो है डाइजेस्टिव जो है जूस सिक्रीशन होगा और उससे वो फूड जो है डाइजेस्ट होगा और उसके बाद जो है अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको क्या करेगा वो एसिमिलेट कर देगा.